उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव का ऐलान होने के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गया है। इसी को लेकर रविवार को जिलाधिकारी आवास पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया, जिसके संबंध में समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी ने बताया कि कोटे पर वितरित किए जा रहे तेल और नमक के पैकेट व बैग पर योगी मोदी की फोटो लगी है, जिससे भारतीय जनता पार्टी का प्रचार हो रहा है, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि जनपद में आचार संहिता का अनुपालन निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित कराया जाए, अन्यथा हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष जियाउल इस्लाम, जितेंद्र सिंह, सिंहासन यादव, कपिल मुनि यादव, विनोद यादव, कमलेश यादव, राहुल यादव, विंध्याचल यादव, विक्की यादव मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी ने कहा, देखिए कल उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव आचार संहिता लागू कर दिया गया। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद जितने भी प्रचार के सामग्री सरकार के होते हैं, जिससे उनकी पार्टी का प्रचार होता है, वो सब हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन गोरखपुर जनपद में अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार हो रहा है विज्ञापनों पर, सरकारी विज्ञापनों के माध्यम से, वो चीज़ हटाया नहीं गया है। आज जो राशन बांटे जा रहे हैं, जिसमें योगी मोदी के फोटो लगाए गए हैं, उसको भी नहीं रोका गया है। आज जिलाधिकारी गोरखपुर के माध्यम से हम लोगों ने भारत निर्वाचन आयोग को एक पत्रक दे करके उसको रोकने का मांग किए हैं, और मांग करके हम लोगों ने कहा है कि अगर उसका सरसर पालन नहीं किया गया, चुनाव आचार संहिता का पालन नहीं हुआ, तो हम समाजवादी जनपद गोरखपुर के लोग सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होंगे या आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन गोरखपुर की होगी।